नमस्ते साथियों, आज मैं आपको घर बैठे पैन कार्ड कैसे अप्लाई करें या पैन कार्ड घर बैठे कैसे बनाएं कुछ ही मिनटों में, तो वो मैं तरीका आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको जैसे गूगल क्रोम में जा करके आपको NSDL न्यू पैन कार्ड सर्च करेंगे, तो ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL की जो साइट है वहाँ पे आपको ले जाएगा। यहाँ तो ऑप्शन है रजिस्टर्ड यूजर है, अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो इस पर क्लिक करना है, नहीं तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। एप्लीकेंट टाइप है उसमें आपको जैसे पैन न्यू करना है इंडियन सिटीजन तो फॉर्म 49A भरना है, और फॉरेन सिटीजन है तो 49B, और चेंज करना है करेक्शन तो आपको नीचे वाले पे क्लिक करना है। जैसे मैं नया पैन अप्लाई कर रहा हूँ तो पैन न्यू इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A आ जाएगा। उसके बाद में कंट्री है तो इसमें कंट्री आप कैटेगरी है तो कैटेगरी इंडिविजुअल यानी किसी व्यक्ति विशेष का बनाना है या किसी फर्म का बनाना है ट्रस्ट का बनाना है तो वो आप सेलेक्ट करना है, जैसे इंडिविजुअल मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद में टाइटल में श्री श्रीमती जो भी है, जैसे किसी महिला का अगर बनाना है तो श्रीमती है। उसके बाद में उसका सरनेम करना है, आपको तो ध्यान यह रखना है कि अगर नाम में सरनेम लिखा हुआ तो ठीक है, नहीं तो आपके जो लास्ट अक्षर है वो ही सरनेम हो जाएगा। तो आपको यहाँ सरनेम जो लिखना है जो भी है वो सरनेम लिखना है, फिर फर्स्ट नेम लिखना है। तो अगर फर्स्ट नेम सरनेम में अगर तीन ना है तो नहीं आ जाएंगे, नहीं तो जो लास्ट वाला अक्षर है वो फर्स्ट नेम सरनेम आ जाएगा, और पहला अक्षर है जो पहला लिखना है। उसके बाद में जो बीच वाला है जिसमें मिडिल नेम है वो आपको खाली छोड़ देना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ तो ये फर्स्ट लिख लिया और लास्ट लिख लिया। अब इसमें डेट ऑफ बर्थ है वो आपको कैलेंडर से सेलेक्ट करनी है, तो जैसे मैं आधार से अप्लाई कर रहा हूँ तो आधार में जो भी डेट है वो करनी है, तो कैलेंडर से आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, आपको ध्यान से डेट सेलेक्ट करनी है क्योंकि यही डेट है वो आगे आपके जगह प्रिंट होकर के आएगी। अब जैसे ये डेट हो गई, जो भी डेट थी मैंने यहाँ लिख दी है। उसके बाद में ईमेल आईडी है तो आपको ईमेल आईडी लिखनी है जहाँ पे आपके हो जाएगी। तो मैं ईमेल आईडी यहाँ टाइप कर रहा हूँ, और ईमेल आईडी हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगी यहाँ, भले ही आप स्मॉल में टाइप करें लेकिन ये कैपिटल लेटर में आएगी तो उसमें कोई समस्या नहीं है। उसके बाद मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर आपको जो भी जिसका भी अप्लाई करें उनका मोबाइल नंबर आपको भरना है। ये मोबाइल नंबर मैंने भर दिए हैं, एक बार आप कंफर्म कर लें। उसके बाद में आप इस पे चेक बॉक्स पे राइट करके आपको जो यहाँ कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा आपको भरना है। कैप्चा भरने के बाद में आप जब यहाँ सबमिट करेंगे तो आपके सामने, तो एक बार सबमिट करके देखते हैं, और सबमिट करेंगे तो यहाँ आपके सामने थैंक यू वाला जो मैसेज आ जाएगा। उसके बाद में आपके टोकन नंबर है वो जारी हो जाएंगे। टोकन नंबर आपको या तो एक कॉपी पे आप वो लिख लेना है ताकि भविष्य में अगर दोबारा जैसे अभी कोई प्रॉब्लम हो या नेटवर्क प्रॉब्लम हो और ये नेट छोड़ दे तो आपको इसी नंबर से आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो नंबर मैं एक बार नोट कर रहा हूँ, तो ये नंबर नोट करने के बाद में अब आपको कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, एक तो सबमिट डिजिटली थ्रू ई KYC एंड ई साइन पेपरलेस। अगर आप बिल्कुल पेपरलेस करना चाहते हैं उसके लिए आधार OTP आएगा, और इसलिए जो भी जिस कर्मी जिस भी इंडिविजुअल का आप बना रहे हैं उनके आधार में मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए, वहाँ से OTP आएगा उससे वेरीफाई होगा। और पेपरलेस है पूरा, आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, जो भी आधार में डाटा होगा वो ले लेगा। दूसरा इसमें ऑप्शन है सबमिट स्कैन इमेजेस थ्रू ई साइन, यानी आपको जो भी पैन कार्ड या पैन कार्ड तो बनाना है, आधार कार्ड और जो भी एड्रेस प्रूफ करे उसकी जो कॉपी है उसको आप अपलोड करना पड़ेगा। और तीसरा है कि फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, यानी आपको डाक के द्वारा या कुरियर के द्वारा आपको सारे डॉक्यूमेंट है वो भेजने पड़ेंगे, उसके बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं अब जैसे इसके लिए ई KYC और आधार से जो है उसके लिए 18 साल के ऊपर उम्र होना जरूरी है, तो जैसे मैं इससे अप्लाई करूँगा तो यहाँ आगे आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, क्या पैन कार्ड जो भी, तो डिफॉल्ट में यस है, तो यस है क्योंकि पैन कार्ड की जो भी हार्ड कॉपी है वो भी जरूरी है। अब इसमें इंटर आधार के लास्ट 4 डिजिट यहाँ ऑप्शन है, इसमें आधार के 4 लास्ट के डिजिट है वो मांग रहा है, तो मैं लास्ट के जो 4 डिजिट है वो यहाँ लिख रहा हूँ।
ये करने के बाद में आपको यहाँ आएगा कि हियर बाई एग्री दैट माई फोटोग्राफ अवेलेबल इन आधार शैल बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, यानी आधार में जो फोटो है वो पैन कार्ड में आ जाएगा, तो उसके लिए आपको यस करना है। और नेम जो पर आधार, यहाँ आपको जैसे अब यहाँ रेड निशान आ रहा है, इसका मतलब ये एडिटेबल नहीं है, क्योंकि जो आधार में आपके जो भी नाम होगा वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब जैसे यहाँ नाम आ रहा है, नाम एक बार आपको चेक करना है, उसके अलावा आपको डेट ऑफ बर्थ भी चेक करनी है, डेट ऑफ बर्थ आ गई। अब जेंडर है तो जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ नहीं है। अब एक हैव यू एवर बीन नोन बाई एनी अदर नेम, तो इसको नो करना है, यानी आपका कोई अन्य नाम है तो नहीं है तो नो करना है। अब डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स है, तो उसमें वेदर मदर इज सिंगल पेरेंट, अगर माँ एक अकेली हो तो मदर का नाम आएगा, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है तो यहाँ फादर का नाम लिखना है। तो फादर के नाम में सरनेम है, सरनेम है तो ठीक है, नहीं तो आपको जो भी नाम है वो लिखना है, और फादर का जो फर्स्ट नेम है वो लिखना है, और मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखना है। उसके बाद में मदर्स नेम है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिखें नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद में पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, यानी माता या पिता किसका नाम पैन कार्ड पर प्रिंट है, तो यहाँ डिफॉल्ट में जैसे फादर नेम है तो मैं इसी को रहने देता हूँ, उसको नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। उसके बाद में यहाँ इन सोर्स ऑफ इनकम आपको इसमें सेलेक्ट करना है, तो सोर्स ऑफ इनकम और जैसे जो भी कैटेगरी है, इसमें सैलरी है या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, या नो इनकम है, या इनकम फ्रॉम बिजनेस है, तो मैं जैसे करनी है तो अदर सोर्स में कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, और वैसे आप लिख भी नहीं सकते, कारण क्या है कि सारा जो भी डाटा है वो आधार से लेगा, तो यहाँ कुछ नहीं लिखना है। ऑफिस एड्रेस भी यहाँ कुछ लिखना चाहे तो नहीं, तो कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें आपको जैसे यहाँ कंट्री सेलेक्ट करना है तो यहाँ इंडिया कर दीजिए, तो मैं एक बार इंडिया सेलेक्ट इसमें कर, ये इंडिया हो गया। उसके बाद में यहाँ जो टेरिटरी या स्टेट है उसमें जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं जिस भी स्टेट से, तो वो स्टेट कर दीजिए। उसके बाद में पिन कोड है तो पिन कोड भर देता हूँ। उसके बाद पिन कोड की जरूरत नहीं है। अब यहाँ जैसे टेलीफोन मोबाइल नंबर है, तो यहाँ मोबाइल नंबर से मैंने पहले भरे हुए थे, जो रजिस्ट्रेशन में वही नंबर आ गए हैं, एक बार आप चेक कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें ईमेल आईडी है जो रजिस्ट्रेशन के समय भरता वो है। उसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, यानी अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, अगर 18 साल से कम है तो उसके लिए अपॉइंट करना पड़ता है, या नहीं है तो नो पे आ जाएगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये अपने आप नो आ रहा है। मैं नेक्स्ट करने से पहले आप एक बार यहाँ ऊपर लिखा हुआ है सेव ड्राफ्ट, उसको सेव करते रहिए, ताकि आपको बार बार उसमें अगर लॉग आउट भी हो जाए तो डाटा सेव रहेगा, बार बार भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो जैसे ये डिटेल्स आर सक्सेसफुली सेव्ड। अब आपको यहाँ आगे एरिया कोड भरना है, एरिया कोड अपने को पता नहीं है, तो इसके लिए आपको यहाँ जो है इंडियन सिटीजन के लिए यहाँ हेल्प है, तो यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ये स्टेट सेलेक्ट हो गया, उसके बाद में आपको सिटी सेलेक्ट करनी है, तो मैं सिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में ऑटोमेटिकली यहाँ से एरिया कोड वगैरह है वो आ जाएगा, कि जैसे ये सिटी में एक ही वार्ड है इनकम टैक्स का, तो वो आ जाएगा, तो ये यहाँ हो गया। उसके बाद में ये ऑटोमेटिक यहाँ ऊपर फील्ड हो जाएगा, जो तो भी एरिया कोड है, एओ टाइप भी हो गया, रेंज कोड भी हो गया, और एओ नंबर भी हो गया, उसको आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही आपके सामने ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अब इनके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, तो यहाँ जैसे मैं आधार दे रहा हूँ तो कोई भी देने की जरूरत नहीं है, आधार से ही सारा काम हो जाएगा। अब यहाँ जैसे डिक्लेरेशन है कि आई हियर बाई, जो भी अप्लाई करें उनका नाम आ जाएगा, और द एप्लीकेंट इन द कैपेसिटी ऑफ, यानी कौन अप्लाई कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं या रिप्रेजेंटेटिव, तो खुद कर रहे हैं तो हिमसेल्फ हरसेल्फ आ जाएगा। प्लेस यहाँ आपको जो भी आपका प्लेस है वो लिख देना है, उसके बाद में डेट आज की आ जाएगी, उसके बाद में उसको सबमिट करना है। तो मैं एक बार नाम और कन्फर्म कर लेता हूँ, नाम आपको एक बार और ध्यान से देखना है, जो नाम अप्लाई कर रहे हैं वही नाम है, उसके बाद में सबमिट करना है। फाइनली फिल द मैंडेटरी फील्ड्स हाइलाइटेड इन द रेड, अब इसमें कुछ छूट गया है लाल कलर में, तो वो आपको देखना है कहाँ छूटा है। और जैसे इसमें डिक्लेरेशन हो गया, उसके बाद हिमसेल हरसेल हो गया, प्लेस हो गया, कोई ना कोई छूट गया, तो उसको एक बार बैक करके देख लेते हैं कहाँ छूटा है। तो इसको एक बार बैक कर रहा हूँ, तो इसमें एरिया कोड वगैरह सब आ गए हैं, ये कहीं नहीं है, तो और बैक कर देते हैं। जैसे इसमें सोर्स ऑफ इनकम में
मदर सोर्स था, रेजिडेंट रेजिडेंस ये हो गया, रेजिडेंट एड्रेस के लिए शायद इसमें होगा नहीं, तो ये जो ऑफिस एड्रेस है उसमें ये खाली बता रहा है, तो उसका एक ऑप्शन तो ये कि प्लीज टिक द एप्लीकेबल, तो रेजिडेंसी एप्लीकेबल है, ऑफिस एड्रेस की जरूरत नहीं, लेकिन ये रेड कलर में लिखा हुआ है तो आपको यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा उसमें, जैसे ये कंट्री कोड है या एरिया कोड है, स्टेट कोड है, तो यहाँ आपको जैसे कंट्री कोड में INDIA ये लिखना है, इंडिया है उसको लाल कलर में नहीं है तो उसको छोड़ दो, मोबाइल नंबर है उसको एक बार नेक्स्ट करके देखता हूँ, नहीं होता है तो फिर इसको आगे एक और जो स्टेप था वो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ये फिल मैंडेटरी आ रहा है, इसका मतलब आपको जो एड्रेस वाला जो था उसको भी आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद में यहाँ जो था नेम ऑफ ऑफिस है, तो ये जैसे नेम ऑफ ऑफिस कुछ नहीं है तो आप यहाँ सिंपल सा अपना एड्रेस लिख दीजिए, मैं एड्रेस लिख रहा हूँ, और उसके बाद में फ्लैट नंबर है तो यहाँ कुछ नहीं है तो आप सीधा एड्रेस ही टाइप कर दीजिए, और यहाँ भी एड्रेस टाइप कर दीजिए या अपना जो भी एड्रेस का जो आगे का है वो टाइप कर दीजिए, डिवीजन है तालुका है तो वो अपना डिस्ट्रिक्ट नेम सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में यहाँ भी मतलब जो भी रेड कलर है वो कोई भी खाली नहीं छोड़ना है, पूरा आपको ध्यान रखना है, तो उसके बाद में इंडिया वैसे ही हो गया। अब फ्रेंडली फिल टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट तो ये हो गया, और उसको नेक्स्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये आता है तो ठीक है, नहीं तो इसमें भी अभी भी ये सबमिट हो गया है, अब इसमें योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड प्लीज कंफर्म डिटेल्स, इसमें आपको आधार नंबर मास्क ओनली फॉर इंडिविजुअल, जो आधार के फर्स्ट 8 डिजिट आपको है वो बनना है, तो मैं फर्स्ट 8 डिजिट आप यहाँ जो 8 शुरुआत के 8 जो अक्षर है आधार के जो अंक है वो भर रहा हूँ, तो ये हो गया, एक बार कंफर्म कर लीजिए कि यही भरे हुए हैं, उसके बाद में नाम में जो भी है टाइटल है श्रीमती श्री है जो भी है नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, डेट ऑफ बर्थ एक बार और कंफर्म कर लीजिए, हाँ ये हो गया, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ को एक बार कंफर्म करने के लिए मैं दोबारा इसको पैन कार्ड जो भी इनका है वो एक बार आपको चेक करना है, तो पैन कार्ड से जो भी आ रही है आधार में जो भी है वो चेक करनी है, 5 ये हो गया, फिर जेंडर यहाँ आपको लिखना है, तो जेंडर के लिए यहाँ जैसे ये ऑलरेडी भरा हुआ है तो उसमें जरूरत नहीं है, बाकी सारा भरा हुआ है, अब इसको आप एक बार चेक करना है, फादर नेम चेक करना है और मदर नेम मैंडेटरी नहीं है तो छोड़ दीजिए, इनकम सोर्स भी हो गया, एड्रेस भी हो गया, उसके बाद में आपको अकाउंटिंग एसएससी नहीं है, ये एरिया कोड आ गया, उसके बाद में प्रोसीड करना है, तो मैं प्रोसीड पर क्लिक कर रहा हूँ, तो प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आपको ऑनलाइन पेमेंट 3 ऑप्शन है, डिमांड ड्राफ्ट का भी ऑप्शन नहीं है, या तो पेमेंट थ्रू पेटीएम है या ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क है, और मैं बिल डेस्क पे कर रहा हूँ, तो उसमें 106 रुपये 90 पैसे का जो भी है वो पेमेंट करना पड़ेगा, तो एग्री टू कन्फर्म करना है उसमें, और मैं आगे प्रोसीड टू पेमेंट कर रहा हूँ, यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद में यहाँ 106 रुपये 90 पैसे इंक्लूडिंग GST है, ये ट्रांजेक्शन नंबर है और इसको पे कन्फर्म करना है, पे कन्फर्म करने के लिए यहाँ से नेट बैंकिंग या जो आ जाएगा, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा एक बार विराम दे करके जैसा कि मैं फिर बता आगे कर का रहा जो था कि प्रोसेस है इसको पेमेंट का वो पेमेंट बताता के हूँ, लिए नेट बैंकिंग या जो भी ATM है डेबिट कार्ड है उससे आपको पेमेंट करना है, तो अब यहाँ से मैंने सारी जो डिटेल भर दी है, उसके बाद में यहाँ OTP मांग रहा है, मैं एक बार OTP भर करके इसको सबमिट कर देता हूँ ताकि पेमेंट हो जाए, अब जैसे यहाँ मेक पेमेंट आ गया तो ये पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अब जैसे वेटिंग फॉर रेस्पॉन्स फ्रॉम बिल डेस्क तो थोड़ा सारा समय लेगा, उसको इंतजार करते हैं, उसके बाद में पेमेंट हो जाएगा तो मैं इसके आगे का जो प्रोसेस है वो बता देता हूँ, पर इट मे टेक अप टू 1 मिनट, काइंडली डू नॉट रिफ्रेश और योर पेज और क्लोज द ब्राउजर, ना तो ब्राउजर को क्लोज करना है या रिफ्रेश नहीं करना है ताकि पेमेंट हो जाए, पेमेंट हो जाएगा तो अपना भी इसमें रिफ्रेश हो जाएगा, अब जैसे ये पेमेंट हो चुका है तो ये पेमेंट रिसिप्ट आ गई है, ट्रांजेक्शन नंबर आ गया है, ये सारे आ गए, उसके बाद में अब कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, तो कंटिन्यू में आपके टोकन नंबर आ गया,
आगे एप्लीकेंट का नाम आ गया, जेंडर आ गया, फीमेल, डेट ऑफ बर्थ आ गया, उसके बाद में ये चेकबॉक्स में आपको आधार नंबर दिया, आगे लास्ट के जो 4 डिजिट है वो शो हो रहे हैं। उसके बाद में आपको यहाँ ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है, तो आधार को ऑथेंटिकेट करना है, तो मैंने पहले कहा था आपको ई KYC करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको जो भी मोबाइल होगा जो आधार से जुड़ा होगा उसमें आपके OTP आएगा। अब जैसे कंटिन्यू विथ EKYC करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही आपको ये टोकन नंबर हो गया, एप्लीकेंट का नाम हो गया, आधार नंबर हो गया, OTP है, तो अभी OTP जैसे आधार में OTP आ गया, तो मैं इस OTP को जो भी OTP है उसको मैं यहाँ फीड कर रहा हूँ। अब जैसे ये OTP फीड होने के बाद में सबमिट करना है, अगर OTP आपके नहीं आता है तो उसको दोबारा आप भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कंटिन्यू विथ ई साइन है, उसको क्लिक कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ आपके ये जो आ जाएगा NSDL इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विस है, यहाँ आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, और यहाँ आपको आपके आधार नंबर लिखना है। तो एक बार आपको आधार नंबर लिखना है, या एक ऑप्शन इसमें और दिया हुआ है कि यहाँ आपको VID या जो वर्चुअल आईडी नंबर है, आधार नंबर है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आधार से कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं आपको आधार नंबर लिख करके बता रहा हूँ, ये आधार नंबर हो गया। अब इसमें सेंड OTP का जो है उस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ एक OTP आधार का आएगा, अगर नहीं आता तो आप उसको रिसेंड का भी ऑप्शन है। जैसे आधार OTP जो नया आ गया है उसको यहाँ OTP को आपको फीड करना है, मैं जैसे OTP यहाँ फीड कर रहा हूँ। अब इसमें वेरीफाई OTP पे आप क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा, सक्सेसफुल OTP वेरीफाई हो गया। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है वो, अब जैसे यहाँ इंटर द पासवर्ड टू ओपन द PDF फाइल, ये आ गया। अब इसमें जो तो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, तो इसमें जो भी डेट ऑफ बर्थ है, अब जैसे इसमें लिखा होगा पासवर्ड फाइल इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड एंड द पासवर्ड इज टू ओपन, तो सेम इस डेट ऑफ बर्थ है जो भी है उसको इस फॉर्मेट में, डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में आपको यहाँ जब लिखेंगे तो आपका ये खुल जाएगा। तो इसमें जो भी डेट है उसको मैं लिख करके एक बार आपको खोल करके बताता हूँ कि इसमें कैसे है। तो आपको जो पूरी डेट है वो आपको लिखनी है, उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। अब इसमें पासवर्ड डाल करके, यानी डेट ऑफ बर्थ है उसको डाल करके आप क्लिक करेंगे, तो ये पूरा जो फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। आपके लास्ट नेम, सरनेम आ जाएगा, नेम आ जाएगा, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ इसमें आ जाएगी, उसके बाद में फादर का नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, और इस तरह से ये ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर आ जाएगा, और ये पूरा हो गया। अब इसमें ये तो आपके प्रिंट एक्नॉलेजमेंट है, इसकी PDF है, वो आप एक बार डाउनलोड करना चाहें तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैं PDF पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये PDF यहाँ डाउनलोड हो गई है। तो इस PDF को भी आप देखना चाहें तो ये भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी, और इसका पासवर्ड क्या होगा आपको पता है कि जो भी जिस भी इंडिविजुअल का आपने अप्लाई किया उसका जो डेट ऑफ बर्थ है, पूरी डेट ऑफ बर्थ, जैसे 1/1/1990 है तो 01/01/1990, यानी 1 जनवरी 90 है, तो ये पूरा अगर आप उसमें करेंगे तो ये PDF पे ये डाउनलोड हो जाएगी। और इस तरह से ये पूरा जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये वेरीफाई का काम पूरा हो गया। अब इसमें जो भी पेमेंट हो गया, इसमें होम पेज पे आएंगे, तो अब इसमें होम पेज पे यहाँ कुछ नहीं है, इसको ये सिस्टम पूरा हो गया। अब मैं आपको जो इसका अपडेट है वो अगर आप चाहें तो मैं कुछ समय के बाद में इसका अपडेट भी आपको दे दूंगा, तो इसी वीडियो पर बने रहिए। यानी कि 2-3 घंटे के बाद में या 4 घंटे के बाद में इस ईमेल में इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है पैन कार्ड बन करके आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएंगे, उस कॉपी को भी आप यूज़ कर सकते हैं, और 6-7 दिन में आपके डाक के द्वारा जो पैन कार्ड है वो घर पे भी आ जाएगा। तो आगे का प्रोसेस है, मैं कुछ समय के बाद में इसका अपडेट है वो भी इसी वीडियो में आपको शेयर करूंगा, तो वीडियो पर बने रहिए। और आगे का स्टेप है, मैं जैसा कि मैं बता रहा था, इसको 2-3 घंटे बाद में ईमेल में चेक करेंगे तो ये ईमेल में आ जाएगा। जैसे अब इस से पूर्व इसका जो स्टेटस चेक कर सकते हैं कि स्टेटस ट्रैक पेन जो भी है आपने अप्लाई किया है उसकी क्या कंडीशन है, तो क्लिक करेंगे तो इस पे एप्लीकेशन टाइप में आपको पेन न्यू या चेंज का रिक्वेस्ट है, या टेन किया तो पेन आपने किया तो पेन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ फिड करना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर वही होंगे जो आपके पास मैसेज आया होगा, तो फॉर्म आपने सबमिट किया है तो उसमें एक मैसेज आया ईमेल में, उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर आते हैं, और ये नंबर आपको यहाँ
भर करके आप कैप्चा कोड भरेंगे, तो उसके बाद में कैप्चा कोड भरने के बाद में आपको ये स्टेटस बता देगा कि बन गया या नहीं बन गया है। उस तरह से ये रिकॉर्ड नहीं बता रहा, लेकिन मैं बता दूं आपको कि मेरे ईमेल में ये जो आ चुका है पैन कार्ड, और पैन कार्ड जो बना हुआ था वो ये नाम वगैरह आ गया है ई पैन कार्ड अकाउंट में, जो ई पैन कार्ड जो है उसमें अकाउंट नंबर पैन नंबर भी आ गए हैं, फोटो भी आ रहा है और साइन है, ये वेरीफाई करने हैं, तो इसको डाउनलोड करके PDF में इसको वेरीफाई कर लेंगे। इस तरह से मैंने कहा था कि मैं आपको अपडेट बताऊंगा, तो ये 2 या 3 घंटे के अंदर ही ऑनलाइन ईमेल पे ये मैसेज आ गया और ई पैन कार्ड आ गया है, और जल्दी 6-7 दिन में ये पैन कार्ड है घर पे पहुंच जाएगा। और दूसरी बात, जैसे ये पैन कार्ड होगा ये इस तरह का होगा जिसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो होगी लेकिन साइन नहीं होंगे, तो आपको यहाँ जो भी रिक्त स्थान है वहाँ आपको ब्लैक पेन से यहाँ साइन कर लेने हैं, तो बाद में ये आपका वैलिड पैन कार्ड बन जाएगा, इसे आप कहीं भी काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से ये पैन कार्ड संबंधित अपडेट थी, तो इस तरह से मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कि किस तरह से आप अप्लाई से लेकर के पेमेंट करने के बाद में अंतिम में किस प्रकार से आपके जो ई पैन कार्ड 2-3 घंटे के अंदर ही आपके ईमेल में आ जाएगा, पूरा प्रोसेस आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। और इस संबंध में किसी को कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।